शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। आपका परिचय कराएंगे उनसे, किस प्रकार से वो कितनी समस्याओं से जूझ रहे थे और किस प्रकार से अब उनको आराम हुआ है, जानेंगे उन्हीं से। शुभ नाम बताइए पेशेंट का। फराज। फराज कौन है आपके? ये बेटा है मेरा। बेटा है आपका, लेकर के आए फराज को? जी। कहाँ के निवासी है? कासगंज। कासगंज यूपी? जी। वेस्टर्न यूपी पड़ता है ना ये? जी। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी फराज को? बहुत कमजोर था, अब जो है पहले से इम्प्रूव है। क्या क्या दिक्कत थी इसको? उसका कमजोरी थी, हमें तो यही दिखाई दे रहा था, देखने में बहुत कमजोर था। अच्छा, और अब कैसा लगता है? अब तो थोड़ा पहले से काफी सही है, जांच में भी थोड़ा आराम मिला है, तो मैंने कहा चलो तो और लेते हैं। अब इतनी कंडीशन तो थी नहीं जो हम एक साथ दवा ले जाएंगे। पहले से तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे फिजिकली जो प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे अब आप आए थे जिसमें कमजोरी थी, चलने फिरने में दिक्कत, लैट्रिन नहीं आती थी, टॉयलेट में दवा देते थे, सिरप देते थे जब जाके टॉयलेट आती थी उसे, लैट्रिन में। तो नेफ्रोलॉजिस्ट जब आप मिले थे वहाँ पे कासगंज में या आगरा में, जहाँ पे भी आप मिले, तो क्या बताया था आपको उस समय वहाँ पे? ऐसा था, मुझे तो पहले बात पता ही नहीं चला। कासगंज में जब मैंने दिखाया था डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने खाली पेट में इन्फेक्शन बता दिया। पेट में इन्फेक्शन के बाद में मैं अलीगढ़ मेडिकल आया, अलीगढ़ मेडिकल में मैंने जांचें कराई सारी। जब मुझे पता लगा 10:30 हो गया क्रेडिट। अच्छा। फिर जो है मैं घबरा गया, फिर मैं अजय मित्तल के यहाँ ले गया, अजय मित्तल डॉक्टर हैं, उनके यहाँ दिखाया, उन्होंने एक महीने ट्रीटमेंट चलाया। उसके बाद में उन्होंने अभी पर्चे पे लिख दिया कि डायलेशन होगा आपके लड़के का बार बार। डायलिसिस बोल दिया था उन्होंने, बोल दिया। और मेडिकल में भी डायरेक्ट मुझे भर्ती होने को कहा था। अच्छा। मैं वहां से चला आया, कोई मैंने ट्रीटमेंट नहीं, कोई गोली नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने भी डायलेशन बोला, तो एक महीने की दवा खिलाने के बाद में फिर जो है कुछ मैंने कासगंज में अपने और डॉक्टरों से और जगह सलाह लेकर देसी दवा खिलाई, उससे जो है 8:30 क्रेडिट आ गया। फिर उसके बाद में कमजोरी बहुत आने लगी। फिर आपका तो मैं देख ही रहा था नेट पे, जब मैं आपके पास आया 8:30 क्रेडिट था जब आप आए थे, अब तो 5 की रेंज में आ गया, अब तो काफी अच्छा रिजल्ट आया पहले से जी। और फिजिकली भी काफी स्वस्थ महसूस कर रहा है। डायलिसिस बता दिया गया था उस समय जी, शुरू कराया था डायलिसिस नहीं, लेकिन डॉक्टर ने कहा था अब इसको जरूरत पड़ेगी। अरे इतना डराते थे, मतलब हर हफ्ते दिखाते थे तो मेरा आंसू निकल जाते कि डायलेशन होगा, बार बार होगा। मैं कि ये तो मैंने सुना बार बार होता है, क्योंकि तो बार बार होगा, मैं डर गया था। अब तो नहीं कराया ना डायलिसिस, बगैर डायलिसिस से कम हुआ है? बगैर डायलिसिस के होगा, आज भी तो मुझे बहुत खुशी पैदा हुई है। खुशी हुई है, खुशी को व्यक्त करेंगे ताकि और लोगों को भी खुशी जो है ना बांटने से बढ़ती है और बढ़ती है, बढ़ती है ना। अब आप जो बताओगे वो औरों को भी हो सकता है उससे खुशी मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगा? मैं जगह जगह दिखा के मैं तो हो गया, मैं हूँ मजदूर आदमी, मैं तो हो गया बर्बाद। अब जो है, अब जो दोबारा जो है मैं बहुत मुश्किल से आ पाया हूँ, मगर जो भी ट्रीटमेंट है आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट अच्छा आया है। तो मैं सारी पिछली बातें भूल गया रिजल्ट को देख के, आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, रिजल्ट इतना बढ़िया है, डायलिसिस की जरूरत नहीं है फराज को। तो ये है इसकी रिपोर्ट है फराज की, आप देख सकते हैं इसका ये यूरिक एसिड वो है। कहाँ से टेस्ट कराए हैं आपने? ये कासगंज से कराए, कासगंज की लैब से ही कराए ना, अपने आसपास से कराए हैं कासगंज। ये देखिए नवंबर 9 नवंबर 2019 की रिपोर्ट है, क्रिएटिनिन लेवल 8.73 है, यूरिया जो है दैट इज अराउंड 203.33। काफी जो है इस समय इनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये डायलिसिस के स्टेज पर है। और मात्र और केवल 2 महीने से भी कम के अंतराल में उन्होंने दोबारा कराया, 3 फरवरी 2020 एंड द क्रिएटिनिन लेवल हैज केम डाउन टू 5.31 एंड यूरिया हैज केम डाउन टू 155.4। दोनों रिपोर्ट्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर आया है और फिजिकली भी फराज को बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है इस बीमारी से, और हौसला बनाए रखने की आवश्यकता है। तो इस बीमारी को भी मात दे देंगे आप, अगर आप लग के फॉलो करेंगे सब चीजें तो मात देना संभव है। जरूरत है तो आपके हौसले की, हौसला बुलंद है तो सभी कुछ कामयाब है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा।
हमें उम्मीद हो गई कि हमारा बच्चा चल सकता। जब इतना आराम है और भी आराम धीरे धीरे जैसे पहला जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही चेंजेस आ रहे हैं इसको। दो महीने से कम के अंतराल में क्रेटिनिन 8-9 से लेके 5 तक आ चुका है डायलिसिस के बगैर। डायलिसिस डायलिसिस को तो नहीं छुआ ना, मशीन को तो हाथ नहीं लगाने दिया ना, बगैर डायलिसिस के हुआ है, बगैर डायलिसिस और बगैर ट्रांसप्लांट के हुआ है। जी जी, क्या बताया था किडनी बदलने के लिए बताया था कासगंज में? नहीं, अजय मित्तल ने बताया था किडनी बदलने का। वो तो डराते थे अगर नहीं कराओगे तो ऐसा होगा, कह रहे डायलिसिस नहीं कराओगे तो बाद में चांस हो सकते हैं, ये कहा था। चलिए बहुत अच्छी बात है। आज फराज के आप अम्मी अम्मी मैं ताई अम्मी हूँ, ताई अम्मी है और अबू आए हैं फराज के, उनको बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए हैं, इन्होंने सब चीजें लग के फॉलो करी और रिजल्ट बहुत बढ़िया है। क्रिएटिनिन भी रिड्यूस है और साथ साथ जो है इनका यूरिया भी रिड्यूस है, फिजिकली भी फराज बहुत पहले से बेटर है, तो कह सकते हैं कि किडनी का इलाज जो है वो संभव है और होता चला आ रहा है।